वुहान, तेहरान, मिलान, पूरी दुनिया है परेशान। जी हां, आज आप मिलेंगे उससे जिसने सबको किया है हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन जाने कब तक। मैं हूं रॉबर्ट अली शुक्ला और आज मैं आपको मिलवा रहा हूं उस इंसान से, माफ कीजिएगा, उस वायरस यानी विषाणु से जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दयालु इतने कि बिना एग्जाम के हजारों बच्चों को पास करा दिया। शक्तिशाली इतने कि गायिका को खलनायिका, मुकेश को अनिल और अनिल को नील बना दिया। जी हां, हम आज आपको मिलवा रहे हैं द वन एंड ओनली कोरोना भैया से। कोरोना जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज कितनों को निपटा दिया। ए लौंडे, स्वागत वागत छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम रॉबर्ट अली शुक्ला किसने रखा है बे? ये भी कोई नाम होता है? जी, दरअसल मैंने सोचा कि पता नहीं आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा नाम रख लिया। अबे हम कौनो इंसान हैं जो हिंदू, मुस्लिम और गोरा काला में भेद करें। हम विषाणु हैं विषाणु, हमारे लिए सब बराबर हैं। करोना भैया, हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। हमारा जन्म चाइना के वुहान में हुआ था। होश संभालो तो न माँ की गोद थी न बाप का साया था। एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ताना बाना था। वहां से हम किसी तरह बाहर निकले और वहां की गलियों में घूमते घामते बड़े हो गए। जी बहुत अच्छा, लेकिन फिर आप बाकी दुनिया में कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि वुहान में हम एक बार झियांग के मुंह से सुने कि लाइफ में अगर इटली नहीं घूमा तो कुछो नहीं किया। बस फिर क्या था, पहली फ्लाइट पकड़ ली और पहुंच गए इटली। ओ कसम से बहुत मजा आया और फिर तो हमें घूमने की लत ही लग गई। अब दुनिया का ऐसा कौनो देश नहीं है जहां हम ना गए हों। पर कोरोना भैया, बिहार में आपका एक भी केस सामने नहीं आ रहा। ए शुक्ला, याद मत दिलाओ उन सालों की, हमारे कई लोग वहां मारे गए। 4 कोरोना दिल्ली से दरभंगा एक्सप्रेस पकड़ के बिहार पहुंचे थे। साला जैसे ही ट्रेन से उतरे किसी ने उन पर लाल जहर थूक दिया। भैया वो गुटका था, गुटका। हाँ हाँ वही, उसमें हमारे 2 लोग मारे गए। उसके बाद एक कोरोना किसी तरह एक आदमी के हथेली पे चढ़ा तो वो पता नहीं साला कौन सा पाउडर लेकर हथेली पे रगड़ दिया। भैया उसको सुरती कहते हैं, सुरती। हाँ वही, छींकते छींकते मर गया बेचारा। लेकिन एक जो और था आखिरी वाला, उसका क्या हुआ? वो अपना काम कर रहा है, जल्दी ये पता चल जाएगा तुम लोगों को। अच्छा कोरोना भैया, एक बात पूछें, बुरा मत मानिएगा प्लीज। पूछो शुक्ला, पूछो, बेझिझक पूछो। आप किसी इंसान के अंदर कबड्डी खेल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है, हम बहुत चालू चीज है भैया। हमारे लक्षण यू पिद्दी फ्लुएंजा जैसे होते हैं, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, इसके अलावा थकान, दर्द, बहती नाक, गले में खराश, ये सब हमारे लक्षण हैं। कोरोना भैया, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आज तक आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे में हम मनुष्य आपको खुश रखना चाहते हैं ताकि आप नाराज ना हो। हमको बुड़बक समझ रहे हो, फुसला के जानना चाहते हो कि हमसे बचा कैसे जाए। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, देखो हमसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है समाज से कट जाओ, चुपचाप घर में दुबक के रहो, और अगर जाना भी पड़े तो अपने साथ सैनिटाइजर या हैंडवाश लेकर निकलो और थोड़ी थोड़ी देर में अपना हथवा साफ करते रहो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो भैया भूल के भी मत जाना। अगर बाय द वे जाना भी पड़े तो मुंह पे मास्क लगाकर जाना कि कौनो सरवा छींके तो उसके साथ हमारे भाई बंधु भी तुम्हारे अंदर न प्रवेश कर जाएं। कोरोना भैया, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? ए शुक्ला,
ज्यादा ना कूदो, कैमरे पे नहीं होते ना, तो अभी तुम्हारी बस भैया माफ कर दीजिए, अब ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जी 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 जी, चलिए माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और आपसे रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें आपको जल्दी जल्दी हमारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, दागो अपने क्वेश्चन। फेवरेट मूवी करोना प्यार है। फेवरेट रिंगटोन फेवरेट हीरोइन करोना कपूर। फेवरेट डायरेक्टर गे या सीधा कोई भी चलेगा। करोना जौहर। फेवरेट सॉन्ग जीना इहा कोरोना इहा इसके सिवा जाना कहां। लेकिन भैया गाने में तो मरना यहां था। अरे बुढ़बक, कोरोना और मरना एक के बात है। जी 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 जी, समझ गया, अब कुछ और बात करते हैं। अच्छा कोरोना भैया, हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? भगवान? अरे हम कौनो भगवान से कम हैं का? ऊ अगर विष्णु हैं तो हम भी विषाणु हैं। लेकिन भैया जी, विष्णु तो सबके पालनहार हैं और आप तो यहां संहार किए जा रहे हैं। तुम सेल्फिश मनुष्य हमारे न्याय को का समझोगे? तुम लोग पृथ्वी को नरक बना दिए थे, हर तरफ प्रदूषण। तुम लोगों के कारण समंदर नाला बन रहा था, हवा जहरीली हो रही थी, कितने जीव जंतु तुम्हारे कारण विलुप्त हो गए। कुछ आइडिया है तुमको? अगर हम ना होते तो तुम लोग ई पृथ्वी को डस्टबिन बना दिए होते। हमारी वजह से आज वेनिस की नहरों में डॉल्फिन घूम रही हैं। हमारी वजह से आज हवा में ताजगी लौटी है। जिन जगहों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज वहां खाली परिंदा ही पर मार रहा है। तुम लोग ही भूल गए थे कि ये पृथ्वी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये हम जैसे जीव जंतुओं और विषाणुओं का भी घर है। परमाणु बम बनाकर तुम लोग अपने को अजय समझने लगे थे, लेकिन हमरे जैसा एक छोटा सा वायरस तुम लोगों की बैंड बजा दिया। और एक बात बताएं, हमरे भगवान भी वो विष्णु जी ही हैं और उहे हमको यहां भेजे हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पालनहार नहीं, वो करोड़ों अरबों जीव जंतुओं के भी पालनहार हैं और उनकी रक्षा करने के लिए ये सब खेल रचे हैं। और अगर तुम लोग सुधर गए तो सब ठीक हो जाएगा, वरना कसम गंगा मैया की, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह सुधर जाएंगे। हाँ, नहीं सुधरे तो सिधार जाओगे। जी 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 जी, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कोरोना भैया, उम्मीद करते हैं आपको उनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोरोना भैया से आपका कोई प्रश्न हो या उनके लिए कोई संदेश हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू।